अस्पताल में भी अगर कोई होगा उसको ढूंढ के निकाल के आपके सामने रख दे। रुपेश सिंह की हत्या को कई दिन बीत चुके हैं। 12 जनवरी को इंडिगो के स्टेशन हेड रहे रुपेश सिंह की अपराधियों ने हत्या कर दी। तब से सूबे की सियासत में भूचाल आया हुआ है। प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तो इसी बीच बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विपक्ष पर हमला बोला है। आपको बता दें, जब मीडिया ने रेणु देवी से पूछा कि रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में अब तक कोई अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, तो उन्होंने सुनिए क्या कुछ कहा है। आपको पता लग रहा है ना क्या चीज के कारण हुआ? हमारी पुलिस लगी हुई है, सारी टीम लगी हुई है, तुरंत हो जाएगा खाली। देखिए, विपक्ष को तो कोई काम नहीं है, हमारा काम है काम करने का। हमारा काम है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, और पताल में भी अगर कोई होगा उसको ढूंढ के निकाल के आपके सामने रख दे। डिप्टी सीएम रेणु देवी का कहना है कि अपराधी अगर पाताल में भी होंगे तो उन्हें वहां से भी उठा कर लाया जाएगा। खैर, अब तक आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्या के बाद 48 घंटे का पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन 48 घंटे के बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके बाद से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी बीच अब डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।